हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। 70 लाख खर्च करने के बाद भी एक दिन भी टंकी की नहीं हुई टेस्टिंग। 7 दिन बाद दोबारा हुआ प्रदर्शन। बगरू विधानसभा के श्रीरामपुरा गांव स्थित दादूदयाल नगर में पेयजल की किल्लत से जनता परेशान होती नजर आ रही है। सांगनेर उपखंड अधिकारी ने 5 दिन में टंकी से पेयजल सप्लाई चालू करने का आश्वासन दिया था और बता दें कि 7 दिन बाद भी सोमवार को टंकी से पेयजल सप्लाई चालू नहीं हुई तो ग्रामीणों का आक्रोश फूटा। जलदाय मंत्री के आवास पर घेराव करने की ग्रामीणों ने चेतावनी दी है और ग्राम पंचायत एवं जलदाय विभाग के विवाद में फंस रहे हैं ग्रामीण। 2020-21 में 70 लाख रुपए की लागत से बनी टंकी 4 साल बाद भी पानी की सप्लाई चालू होने के लिए दुर्दशा के आंसू बहा रही है। बूंद बूंद पानी को त्रस्ते श्रीरामपुरा गांव के लोग अपनी समस्या आगे बताते हुए परेशान नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी में सूखे कंठ तो चढ़ा पारा। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। बता दें कि राज्य सरकार ने भले ही भीषण गर्मी और लू के दौर के बीच पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों को फील्ड में उतार कर समाधान करने के आदेश जारी कर रखे हैं, इसके बावजूद भी विधानसभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायत लाखना के श्रीरामपुरा गांव स्थित दादूदयाल नगर में पेयजल के हालत बेहद ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। ग्रामीणों की लाख गुहार के बावजूद भी पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा और ग्रामीणों के हलक सूख रहे हैं। इसको लेकर सोमवार को ग्रामीणों का पारा उबल गया और 45 डिग्री जैसे धधकते तापमान के बीच पानी की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने दादूदयाल नगर में पेयजल के लिए बनी टंकी के पास पंचायत प्रशासन बगरू विधानसभा एवं जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। स्थानीय निवासी रमेश एवं गोपाल टेलर ने बताया कि 4 साल से 70 लाख की लागत से बनी पानी की टंकी शोपीस बनकर रह चुकी है। 500 परिवार तपती गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। कई बार ग्राम पंचायत में सरपंच को लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराने के बावजूद भी स्थिति यथावत बनी हुई है। किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं हुआ और ना ही मौके की स्थिति को कोई देखने आया। वर्तमान विधायक से लेकर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों तक मामला पहुंचा दिया गया है, परंतु किसी ने आकर सुत तक नहीं ली है। गुस्साए ग्रामीणों ने बताया कि 5 दिवस के अंदर यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो जलदाय मंत्री के आवास पर घेराव कर प्रदर्शन किया जाएगा। परेशानी आ रही है बहुत, यहाँ बहुत दुखी हो रहे हैं। पानी की तराई मच रही है चारों तरफ। अब पानी को 5 साल हो गए, इन्हें पानी की खा जावे, हमको बहुत दूरी पड़े, बच्चा बच्चे बीमार, इन्हें छोड़ छोड़ के हम काम पे जाते हो, प्यास से मरते हुए। कोई पानी की बोई नहीं है यहाँ पर, तो पानी की कोई जरूरी है हमें कोई भी। आपकी अपनी व्यवस्था करो, हम व्यवस्था बिना हम परेशान है बहुत। बीमार हो जाते हैं बच्चे, बार बार में खा जाते हैं, डॉक्टर उनके लेके जाते हैं, पैसे हाथ नहीं है, इतना पानी को जा